मतलब प्लेन रोड के लिए, स्मूथ रोड के लिए इस्तेमाल होता है, और हैवी जो है ये हिल के लिए। बाकी इसमें ये लिफ्ट का बटन है, ये देखो, इसको ऊपर नीचे किया तो लिफ्ट ऊपर नीचे चला जाता है। और स्टार्ट करके अब हम जाएंगे अपने लोडिंग के लिए और भरेंगे वहाँ से अपनी गाड़ी जल्द से जल्द। फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आई होप कि आप सभी भाई और दोस्त ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो व्लॉग में देखा था कि हम घर से निकल गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फिर वापस आ गए काजीगंज से, क्योंकि उसका कारण क्या था, हमें लोड करने जाना है। दोनों भाई हम एक साथ थे, बाबर भाई और मैं, तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे अपनी गाड़ी लोड करनी है। और ये देखो भाई, इसी के साथ साथ आज मैं लगभग एक दो साल के बाद बारह डेरी गाड़ी जो है उसको ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन बेस फॉर जो गाड़ी है एकदम मस्त गाड़ी है बारह डेरी। ये देखो भाई, तो एटलीस्ट 2019 में मैं बारह डेरी चलाता था, उसके बाद मैंने 10 चक्का चलाया, तो आज लगभग 3-4 साल के बाद फिर से मैं बारह डेरी जो है ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि अपने भाई गवर भाई बड़े भाई की गाड़ी है। ये देखो भाई, सो इनको जाना था पिछ बारा, मैंने इनको बोला आज भाई ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानियत होनी चाहिए यार, ये नहीं कि हमारे पास 50 लाख की 60 लाख की गाड़ी है तो फिर हम किसी के पास नहीं देखेंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसानियत को याद रखना चाहिए। और ये देखो भाई, हमें लोड करने के लिए भाई, सो इसी के साथ साथ सुबह उठते ही पहले हम अपनी गाड़ी का साफ सफाई करेंगे, क्योंकि गाड़ी जो है आगे से बहुत गंदी हो चुकी थी, इसलिए अब हमने शो पे पानी वगैरह मारा और टाकी मार रहा हूँ मैं, क्योंकि अरबाज भाई को मैंने बोला कि आज मैं खुद टाकी मारूंगा अच्छी तरीके से, गाड़ी आगे से बहुत गंदी हो चुकी है। फिलहाल हम अपनी गाड़ी का वॉश करके फिर निकल जाएंगे यहाँ से अपनी गाड़ी लोडिंग करने के लिए, जो कि आपको पता ही होगा जो MPT एप्पल बॉक्सेस है वही आज अपनी गाड़ी में लोड होने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी को साफ करेंगे आगे से, ये देखो भाई। और इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो गवर भाई की गाड़ी की लोडिंग हो गई है स्टार्ट। आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितनी अच्छी है गवर भाई की गाड़ी। ये देखो 31/18/12 टेरी गाड़ी है भाई के पास। भाई को घर में काम था, इसीलिए मैंने बोला पहले मैं ये गाड़ी लोड करूंगा, उसके बाद अपनी गाड़ी लाऊंगा, क्योंकि लोड करने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन क्या बात है, सेम जिस तरह एप्पल की लोडिंग होती है एप्पल बॉक्सों की, इसी तरह MPT एप्पल बॉक्सों की भी लोडिंग होती है। 3 PT ओवर हाइट हो गया है गाड़ी में। और ये देखो, मैं आपको पीछे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने जो भाई है ये अपनी गाड़ी देखो लोड कर रहे, लेकिन 12 चक्की की गाड़ी जो है बहुत लंबी दिखती है ये देखो यार, क्योंकि आज और मैंने लगभग 3-4 साल के बाद फिर से 12 टेरी गाड़ी चलाई है। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 12 टेरी ही चलाता था 2019 में, तो फिर मैंने 1 साल के बाद 12 टेरी गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी भारी है, इसको आराम से ही चलना पड़ता है, माल भी इसमें ज़्यादा होता है भाई, 24 टन वज़न, 24 टन है मतलब इसका पासिंग, और गाड़ी का वज़न हो गया 12 टन, 36 टन इसका वज़न होता है, 360 क्विंटल। ये देखो अंदर से भी कैसा व्यू है गाड़ी का, कैसा ब्यूटीफुल व्यू है, ये देखो भाई। ये देखो भाई, इसमें 2 मोड आते हैं, एक लाइट और एक हैवी। लाइट जो है वो मतलब प्लेन रोड के लिए, स्मूथ रोड के लिए इस्तेमाल होता है, और हैवी जो है ये हिल के लिए। बाकी इसमें ये लिफ्ट का बटन है, ये देखो, इसको ऊपर नीचे किया तो लिफ्ट ऊपर नीचे चला जाता है। और ये केमिकल की टैंक है, और ये देखो भाई इसका डिशमीटर, और स्टीयरिंग जो है इसकी अभी पुरानी है, तो गवर भाई ने बोला कि जब हम सरहंद जाएंगे तो वहीं पर फिर इसकी नई स्टीयरिंग लगाएंगे। और देखो भाई इंटीरियर से कैसी गाड़ी है, एकदम जकास गाड़ी, 18 मॉडल, बढ़िया गाड़ी,
मतलब गावर भाई ने जब ये गाड़ी लाई तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इस गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है भाई, इसीलिए। सो करते हैं यहाँ पे जल्द से जल्द अपनी गाड़ी लोड और फिर लाते हैं अपनी दूसरी गाड़ी यहीं पे, वो भी यहीं पे भरनी है, तो इंशाल्लाह सुबह हम फिर निकलेंगे। फाइनली गाइस हो गई गावर भाई की गाड़ी लोड, तो फिलहाल हम गावर भाई को हेल्प कर रहे थे रस्सा डालने में, और ये आप देख सकते हो क्या हाल होता है, क्या सीन होता है, क्या सिचुएशन होता है जब रस्सा तिरपाल डालते हैं। ये देखो भाई कितना ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सबसे जो मुश्किल काम है रस्सा तिरपाल का काम। ये देखो भाई इसी के साथ साथ हो गए गावर भाई की गाड़ी कंप्लीट। अब हम, आज जुमा है, जुमा मुबारक, तो आज अब हम नमाज पढ़ के अपनी गाड़ी लाएंगे मिनी मशीन यहाँ पे लोड करने के लिए। फिलहाल जो है गावर भाई की गाड़ी भर गई है। ये देखो भाई कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेफ गाड़ी है, क्योंकि सेफ गाड़ी में भी 3 पेटी हाइट होती है और खाली गाड़ी में भी 3 पेटी। ये देखो, और ये देखो कौन सी लोकेशन पे, अगर किसी भाई को पता होगा ये कौन सी लोकेशन है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर वो करना, कमेंट करना ये कौन सी लोकेशन है। और ये देखो ये रहा अपना शारिक भाई, शारिक भाई भी आया है गावर भाई के साथ ही। शारिक भाई को भी गाड़ी का शौक़ है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, गाड़ी के साथ मत आ जा। ये रहा गावर भाई, आप हमें क्या काम करना है, तिरपाल जो नीचे फेंका था ये धागे में तिरपाल था, अब इसको उठाना है रस्से की हेल्प से। ये देखो भाई अब मैं रस्सा डाल रहा हूँ। इसीलिए हमेशा हमारे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ रेस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर्स, ये देखो भाई हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए किसी को मतलब लूटते नहीं है, ठगते नहीं है, अपनी मेहनत करते हैं। इसीलिए हमारी तभी सभी भाइयों और आइडेंसी से फॉलोवरों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर्स, और जिनके घर में समझो भाई ड्राइवर है, बाप ड्राइवर है, कोई भी रिलेटिव ड्राइवर है, उनको पता है कि ट्रक लाइफ कितनी हार्ड है, जो घर बैठे हुए हैं कोई ना, वो खुद कोई काम कर रहे हैं और दूसरों को भी टीज़ कर रहे हैं, अगर कोई भाई मेहनत कर रहा है उसको भी टीज़ कर रहे हैं, उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो प्लीज़। एंड प्लीज़ रेस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर्स, हम भी अपनी मेहनत करते हैं, अपना दिन रात एक करके तब जाके चांद पैसा हम कमाते हैं भाई। और इसके बाद भाई आप देख सकते हो जो तिरपाल था पीछे, अब हमने इसको रस्सी से चढ़ाने की कोशिश की है, तो आज आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि हम तिरपाल को रस्सी से चढ़ा सकेंगे या नहीं। ये देखो यार पूरा जोर लगा रहा हूँ और गवार भाई भी नीचे धक्का मार रहा है तिरपाल का। ये देखो भाई, तो फिलहाल हम तिरपाल वगैरह जो है उसको टूल में फिट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे फिर यहाँ से भाई। ये देख सकते हो तो बड़ी मुश्किल से हमने तिरपाल को ऊपर चढ़ाया है, और आज कश्मीर में भी जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 28-30 तक जाता है दिन को, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है भाई। और भाई इसी के साथ साथ बोल रहा है टूल का जो आगे वाला पोर्शन है ये टूट गया है कहीं पे, इसको लात मारो। इसको लात से कुछ नहीं होगा गावर भाई, इसको केल मारना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये देखो निकलने की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बड़े आराम से निकलना है, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा भाई, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर अखरोट का पेड़ है, अगर वो पेटी के साथ लग जाएगा तो फिर नुकसान खतरा वगैरह होने का, डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है। ये देखो भाई ऊपर से जो है, ये देखो वो बड़ी मुश्किल से निकल गई। रुको रुको, चलो 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 भाई, निकल गई निकल गई, चलो 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 भाई निकल गया निकल गया। ये देखो भाई इसी का डर था कि कहीं पेटी वगैरह इसके साथ टच ना हो जाए, फिर क्या है माल डैमेज होने का खतरा रहता है। अब यहाँ से गावर भाई की गाड़ी पहुँचाएंगे घर और वहाँ पे नमाज अदा करेंगे, क्योंकि आज जुमा है, तो उसके बाद अपनी गाड़ी हम उतारेंगे लोडिंग के लिए। देखो भाई, और भाई ये देखो गावर भाई भी आ गए अब घर से बाइक पे, क्योंकि ये हमारे नज़दीकी पड़ता है खाली अपने घर से 2 किलोमीटर जहाँ पे गाड़ी लोड करनी थी। अब गावर भाई भी आ गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया, आपने देखा कि रस्सा तिरपाल करके कितना पसीना आ गया। और ये देखो गावर भाई क्या हाल है भाई, ठीक हो? गावर भाई को एटलीस्ट हो गए हैं 20 साल ट्रक ड्राइवरी करते हैं ना भाई, 20 साल हो गए ना कम्प्लीट। लेकिन गावर भाई भी कहता है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए मतलब कहीं पे सेफ्टी नहीं है, कोई अच्छा रूल नहीं है, गवर्नमेंट ने जो रूल दिया है ट्रक ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए कहीं नहीं है ना, खाली ट्रक ड्राइवरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, यार क्या करेंगे। इसके बारे में गावर भाई आप कुछ बता।
ये ड्राइवर तो हमको झेलनी पड़ती है रोड पे। अच्छा, हर किसी स्टेट में वही है ना, मतलब कहता है अगर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट होंगे फिर भी वो चालान भी परेशान कर रहे हैं, वही है ना। इसीलिए हमारी सभी भाइयों और दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज हम अपनी मेहनत करते हैं, हमारी यार रेस्पेक्ट किया करो। और ये देखो फूल कितने ब्यूटीफुल है। अब हम सीधा जाएंगे घर और घर में अपना जो है खाना वाना खा के नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी जो है मनी मशीन उसको लाएंगे और यहीं पे उसका भी लोडिंग करना है भाई। और इसी के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं कन्यालमन। कन्यालमन से ही अपने गांव के लिए रास्ता जाता है बांडरपुरा। और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी बड़ी चढ़ाई है, पहले मतलब इसमें दो दो तीन तीन टर्न करने पड़ते थे क्योंकि मोड़ पहले छोटा था, लेकिन अभी जो है मोड़ इसको बढ़ाया गया है और गाड़ी जो है एक ही टर्न में मुड़ जाती है। ये देखो भाई गावर भाई की गाड़ी में कितना हाइट हो गया है, 3 PT हाइट हो गया है। और इसी के साथ साथ और ये जो टाटा की गाड़ी है कहीं पे मतलब इसका जोड़ नहीं है, इसका जो है टोल नहीं है कहीं पे, ये एकदम मस्त गाड़ी है। और हिल के लिए हम इसको किंग ऑफ द हिल भी कहते हैं और किंग ऑफ द जोजिला जो कि सबसे हाइस्ट पोर्शन है। ये देखो भाई तो अब हम घर पहुंच के नमाज वगैरह, और ये देखो भाई गावर भाई की लोड गाड़ी लोड करके आ गए हम घर। अब घर में हमने खाना वाना खाया और नमाज अदा की, तो अब हमें जाना है। और ये रहा अपना छोटा भाई, क्या हाल है ओ हंसर भाई, ठीक हो? आज स्कूल नहीं गया क्यों? आज छुट्टी थी। अब हमारे साथ आ जाओ, हम जाएंगे लोड करने। अब हमने अपना जो मनी मशीन है ऑलरेडी इसका नाम है ऊपर लिखा मनी मशीन, तो अब हम इसको मनी मशीन के नाम से ही पुकारेंगे हर टाइम। अब हम यहाँ पे जाएंगे और अपनी गाड़ी लोड करके। और ये रहा अपना भाई मनी भाई, मनी भाई सीधे चलता है, क्या हाल है ठीक हो? कहाँ जाओगे? तो अब हमने अपनी गाड़ी जो है मनी मशीन इसको स्टार्ट करके अब हम जाएंगे अपने लोडिंग के लिए और भरेंगे वहाँ से अपनी गाड़ी जल्द से जल्द। और इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो भाई ये रही अपनी मनी मशीन। और ये देखो गाड़ी में कितना हाइट हो गया, 3 PT हाइट हो गया भाई, ये देखो। और अभी जो है दोनों गाड़ी बिल्कुल जेट रेडी टू फ्लाई फॉर डोडा। डोडा के लिए हम अपनी गाड़ी लोड भर गई। और ये देखो ये रहा अपना उस्ताद गवर भाई और भाई भी, जो अपना उस्ताद भी है और गाय भाई भी है, इसी से हमने सीखा है। ये देखो भाई वो रही गवर भाई की गाड़ी, आप देख सकती हो। तो अब हम इंशाल्लाह दोनों कल सुबह सवेरे निकलेंगे क्योंकि कल कानवाई भी है इसकी वजह से। सो इसी के साथ साथ करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। वीडियो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फैमिली।